हेलो फ्रेंड्स, क्योंकि आज नया साल है तो आज हम एक नई चीज ट्राई करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको जरूर पसंद आएगी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसका शीर्षक है प्यार का टक्कर। उसके पहले पार्ट वादा से हम इसकी शुरुआत करती है। हाँ, आज वही दिन है जिस दिन वो दोनों एक पार्क में मिलने वाले हैं। काफी प्रयास करने के बाद लड़के को लड़की ने टाइम दिया है कि हाँ वो आज उससे मिलने आ रही है। तो लड़का काफी परेशान था, लड़की को बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है, लेकिन लड़की उसका रिप्लाई नहीं करती। लेकिन फाइनली आज वो मान गई है, वो आज पार्क में आ रही है। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। ओ हेलो, इधर आजा, कैसी है, वहां क्या खड़ी है? हाँ बोल, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? परेशान करके रख दिया है तूने मुझे। यार गुस्सा क्यों कर रही है, चल यहाँ बैठ, बैठ के बात करते हैं। अब चल जल्दी बता, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तेरी याद आ रही थी यार। अब ना तो तुम मिलती हो, ना ही फोन उठाती हो और ना ही बात करती हो। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे माइंड में, बता भी दो यार। जो भी चल रहा हो तुझे क्यों बताऊं? देख सुन, तू मुझे फोन और मैसेज मत किया कर, अब मैं तुझसे नहीं मिलना चाहती। अभी तूने मुझे किया ना तो मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी। यार माही कैसी बात कर रही है, मत कर यार ऐसे। तू जानती है ना मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। चल बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अब मैं जा रही हूँ। और अब फोन मत कर दियो, अंदर करवा दूंगी। मैं सब भुला चुकी हूँ, तो भी भुला के अब आगे बढ़ जा। तूने इतने सारे वादे किए थे, कसमें खाई थी कि हम साथ रहेंगे, हम अलग नहीं होंगे, भूल गई सब? वो सब क्या था? देख कहने को तो मैं कुछ भी कहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन सारी चीजों को करूँ, ठीक है? ड्रामे मत कर यहाँ पे। ड्रामा मैं नहीं, तुम कर रही हो। अचानक से यार ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई इतना बदल जाए? देख बिट्टू, अब मुझे पका मत तू यहाँ, इसलिए तूने मुझे बुलाया था। मुझे पता होता तो मैं आती ही नहीं। प्लीज यार मत कर यार ऐसे। जा रही हूँ मैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि लड़की ने लड़की के साथ काफी रूड बिहेव किया और वो वहां से चली गई। लड़का उसे एक तक देखता रह गया। लेकिन लड़की ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की कहानी क्या है, लड़का क्यों उसकी बार बार मिन्नतें किए जा रहा था, ये जानेंगे हम स्टोरी के अगले पार्ट में। तो चलिए मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, नए साल को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, अपने दोस्तों का अपने परिवार का ख्याल रखिए। भगवान आप सबको तरक्की दे। जय हिंद, जय भारत।